गाइस आपको दिखा देती हूँ, देखिए देखिए गैप आ रहा है, तो इसको थोड़ा हमें अच्छे से चिपका के रखना है थोड़ी देर हाथों से। ये अभी अभी जस्ट मैंने चिपकाया है और थोड़ा प्रेस करके रखेंगे। गाइस ये देखिए ये बन चुका है पूरा का पूरा, वहाँ से भी मैंने अच्छे से इसको चिपका दिया है, बिल्कुल चिपका दिया। अभी आपको मैं सीधा करके एक से दो घंटे बाद इसको सूखने के लिए अभी हम छोड़िए। देखिए अभी भी खुल जा रहा है, तो जब भी खुल जाता है तो यहाँ पर तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने पूजा कर लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने मंदिर का जो सामान है जो हमें लगता रहता है और ऑर्गेनाइज किस तरीके से करने हैं। तो ये वही कार्डबोर्ड के डब्बे हैं जो कि हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या कोई भी साइट से हम सामान मंगवाते हैं और हमारे पास ऐसे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपने शायद देखा होगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक ही डब्बा लिया है, तो इसमें मैंने जो भगवान के जो कम यूज़ में आने वाले सामान होते हैं वो रखे हुए हैं, जैसे कि ये बहुत सारी किताबें हैं जो कि हम कभी कभार यूज़ करते हैं, जैसे चतुर्थी वगैरह, ये करवा चौथ, ये सारी किताबें मेरी इसके अंदर पैक है। और यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है, जैसे ये कलावा हो गया, बर्तन हो गए भगवान जी के एक्स्ट्रा वाले, वो इसमें रहते हैं। जब हम कोई त्यौहार वगैरह होता है, कोई पूजा होती है, तब ये सब सामान लगता है। और यहाँ पर मैंने हवन का सामान रखा हुआ है, इसमें भगवान जी का सारा ही हवन का सामान सामग्री है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा के जो धूप बत्ती रहती हैं वो हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लाउज पीस वगैरह रखे हुए हैं, ये यहाँ पर हमको लगता रहता है पूजा में, जब पूजा होती है तो ब्लाउज पीस की आवश्यकता पड़ती है यहाँ के महाराष्ट्र में। तो ये डब्बे मैंने हवन सामग्री और बर्तन और जो एक्स्ट्रा का सामान है उसमें मैंने किया हुआ है। दूसरे डब्बे में मैंने क्या किया है, जितने भी सिंदूर, चंदन, अपना जो इत्र, गंगा जल, ये सब मैंने इसमें कैरी किया हुआ है, ताकि मतलब मुझे इजीली मिल जाए धागा वगैरह, सब चीज़ मैंने इसमें रखी हुई है। और ये तीसरा जो मैंने डब्बा बनाया है, इसमें जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, मतलब जो मुझे रोज़ यूज़ में आने वाला सामान है, जैसे ये तेल हो गया, घी अभी ख़त्म हो गया है भगवान जी का, तो वो घी भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये धूप बत्ती हो गई, भगवान जी का खाने का सामान हो गया, और भी चीज़ें मैं रखती हूँ इसमें। और ये जो अपना रुई होती है वो है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए इसका भगवान का मंदिर बनाने का जो मेरा रीज़न था, वो अभी हम ये बना लेते तो ये सब चीज़ें कहीं और रखनी पड़ती, पर मैंने इसका उपयोग किस तरीके से किया है मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो मैंने साइज रखा है ना, वो किस लिए रखा है, तो देखिए ये मैं जाएगा इसके नीचे, ये जाएगा, तो ये देखिए ढक गया, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, मैं ये दिखाना भूल गई थी, ये एक बैग है, इसके अंदर मैंने अपने भगवान जी के जो कान्हा जी के कपड़े और भी थोड़ी चुनरी वुनरी होती है वो है एक्स्ट्रा की, तो वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये भी देखिए अंदर चला गया, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, और इसी तरीके से ये भी अंदर चला जाएगा और ये भी अंदर चला गया। तो देखिए बिल्कुल अब पता भी नहीं चल रहा कि
भगवान जी का सामान भी इसी के नीचे रखा हुआ है, बिल्कुल सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही दूसरी बात, कभी भी भगवान जी जो होते हैं, भगवान जी का रैक वगैरह रहा तो उसके ऊपर सामान रखते नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बैठ के पूजा करूँगी, क्योंकि पिछले घर में मेरे को खड़े होकर पूजा करना पड़ता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठ कर शांति से पूजा करना, तो ये मैंने किया। और हाँ, मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये भी एक डब्बा है, इसमें मैंने जो भगवान जी की जो थाली होती हैं वो रखी हुई हैं। ये चांदी की थाली है, ये तांबे की है, पीतल की, और भी हैं थाली, वो मैंने दो और थालियां हैं वो थोड़ा डेकोरेट के लिए मैंने निकाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से आप रख सकते हैं। और ये भी मैं अंदर ही डाल दूँगी, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान जी का पूरा जो मंदिर है वो बना दिया है, और भगवान जी क्या बोलते हैं, बिठा दिए हैं। और इस इधर साइड में थोड़ा ये है, इसमें अगरबत्ती रहती है, और अगरबत्ती मैं कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं पूजा के लिए यही धूप बत्ती यूज़ करती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ, तो ये ऐसे ही है। तो ये भी मैं अंदर ही इधर डाल दूँगी। और इधर जो है, मैंने ये कलश वगैरह जो होता है जब बड़ी पूजा होती है तभी काम में आता है, तो इसको मैंने अंदर ना रखे, मैं यहाँ पे थोड़ा मनी प्लांट रख दिया उस पर, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये भी पाठ वगैरह भगवान के टाइम पूजा करने के समय लगता रहता है, तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। और ये जब हम हवन करते हैं, मैं हर फ्राइडे को माता लक्ष्मी की मैं आरती करती हूँ तब हवन करती हूँ, तो ये मैंने रखा हुआ है। और ये जो आप मिट्टी का ये बर्तन देख रहे हो, ये भी नवरात्र पे मैंने पूजा करी थी तो था। अब मैं सोच रही हूँ जब फूल वगैरह आया करेगा तो पानी डाल के इसमें फूल डाल के यहाँ पे सामने रख दिया करूँगी, बहुत सुंदर दिखेगा। अभी तो मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो ये था, और ये दो आपको दिए दिख रहे होंगे, ये रोज़ शाम को तुलसी माता के वहाँ पे मैं जलाती हूँ, तो वहाँ से एक लाती हूँ फिर यहाँ रख देती हूँ, फिर यहाँ पे करती हूँ, वो दूसरा लेके आ जाती हूँ धो के फिर रख देती हूँ, तो शाम को एक ही बार में ये करती हूँ। तो ये हो गया गाइस, तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा मेरा मंदिर। और हाँ, अभी रंगोली निकालना रह गया है, मैं रंगोली निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हाँ, महाराष्ट्र में हमेशा ये होता है कि भगवान के सामने रंगोली निकाली जाती है और इस तरीके से पूजा की जाती है। तो देखिए गाइस कैसा लगा मेरा मंदिर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी बना सकते हो मंदिर। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये मजबूत नहीं बना है, मजबूत बहुत बना है, आप इसको कहीं पे भी इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप हीटेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान जी। तो बस ये था, और यहाँ पर जो था मैंने खिड़की के इधर, और ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा में ही मैंने मंदिर अपना बनाया है।